बात कर रहे हैं हम नेमिंग ऑफ कीटोन्स। भाई कीटोन हमारे लिए क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर या आर डैश, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया कीटोन। इसको हम कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले तो फंक्शन ग्रुप जो कि मैं पहले ही लिखा हूँ लिख चुका हूँ, ये हमारे लिए फंक्शन ग्रुप है। प्रेफिक्स, पहले इसको कीटो बोला जाता था, आजकल इसको ऑक्सो ही बोला जाता है, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कीटो और ऑक्सो में से दोनों ही चलेगा। सफिक्स ऑन, और आईयूपीएसी नेम आपका क्या होगा, एल्केन नॉन। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली एग्जाम्पल बन जाएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी कार्बन से या कॉर्नर से, कॉर्नर से 1 2 3 4 5। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बस ये पहले आ जाए किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के कंपेयर में। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, प्रोपेन पेंटेन, पेंटेन थ्री ऑन, पेंटेन थ्री ऑन। आगे सेकंड, अगर यही चीज इस तरह से होती कि एक तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और एक तरफ से कीटोन पहले आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, ऑब्वियसली यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा इसका नाम यहाँ पर, पेंट पेंट फोर इन और टू ऑन, यानी पेंट फोर इन टू ऑन। हम वहां से नंबरिंग पहले करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप पहले आए, आ रही है बात समझ में। हाँ, अगर इससे कोई पहले फंक्शन ग्रुप होता, इससे सीनियर फंक्शन ग्रुप होता, तो ये क्या बन जाता, लोकेंड, और लोकेंड की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम होती है। चलिए कुछ और तरह के एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए हमें, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कैसे करेंगे इसको, मेरे हम सबके हिसाब से 1 2 3, तो क्या होगा, थ्री ऑक्सो ब्यूट ब्यूटेन नॉइक एसिड, थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, यस और नो। फोर्थ नंबर, अब इसका नाम क्या होगा, सोच के बोले इसका नाम, फोर्थ नंबर पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल, प्रोपेनोन, क्यों, दो ही तो कार्बन। तो हम ये यहां पर ये बोल सकते हैं कि नंबरिंग अगर हमारे यहां से रहेगी 1 2, तो हम इसको इसी तरह से देखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, इथेनोन, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होता, तो कैसे हम देखते हैं, साइक्लो हेक्स 1 2 3 4 5 6, हेक्स जेन 1 3 5 ट्राई ऑन, हाँ या ना, ठीक है, लिखें इसको।